400 टनों का वजन कैसे सह लेते हैं ये पहिए? हवाई जहाज को हवा में उड़ान भरते तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है आखिर इतना बड़ा और भारी जहाज जब आसमान से जमीन पर लैंड करता है तो उसके भार को कौन संभालता होगा? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, हवाई जहाज कैसे सफलतापूर्वक लैंड कर पाता है और इसके पहिए में जान डालने वाली वे कौन सी चीज है जिससे कि प्लेन आराम से उतर जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एरोप्लेन लैंड कैसे करता है। सबसे पहले एरोप्लेन के एल्टीट्यूड को कम किया जाता है, ऊंचाई को कम किया जाता है लैंडिंग कराने से पहले। मान लीजिए कि ये 40,000 फीट एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा है प्लेन। जैसे जैसे प्लेन एयरपोर्ट और रनवे के करीब जाता है उसकी ऊंचाई को जमीन से उसकी ऊंचाई को एल्टीट्यूड को कम कराया जाता है। इसके बाद लैंडिंग गियर को डाउन किया जाता है, इसके चक्कों को खोला जाता है जिससे कि प्लेन के पहिए बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फ्लैप को 3% डिग्री पर सेट कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है तो प्लेन का पूरा भार लैंडिंग गियर के पहियों पर आ जाता है। इसके बाद धीरे धीरे प्लेन को रनवे पर लैंड करा जाता है। इस तरह प्लेन की सही और स्मूथ लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए कुछ इसे एग्जांपल के साथ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों एयरबस A380 आज के समय में सबसे एडवांस पैसेंजर प्लेन है जिसने पहली उड़ान 2007 में भरी थी। आज कई एयरलाइंस में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। ये एरोप्लेन ब्रिटिश एयरवेज, कतर एयरवेज, इमरात एयरवेज की खास है। इस प्लेन की खास बात है इसे बनाने में इस्तेमाल की गई बेहतरीन इंजीनियरिंग। इस प्लेन के लैंडिंग गियर को फ्रेंच एरोस्पेस और डिफेंस कॉर्पोरेशन की सावलेन लैंडिंग सिस्टम ने डिजाइन किया है। ये कंपनी एयरप्लेन के लिए पहिए, स्क्रूज, लैंडिंग गियर तैयार करती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में स्टेट ऑफ आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करती है और अच्छी क्वालिटी के लैंडिंग गियर तैयार करने के लिए कंपनी 3D मॉल्डिंग का यूज भी करती है। ये कंपनी प्रोटोटाइप और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करती है ताकि उसके प्रोडक्ट्स कस्टमर के निर्देशों के अनुसार ही बनकर तैयार हो। इसके लिए कंपनी मशीनरी, हीटिंग, प्लांटिंग, पेंटिंग सारे काम खुद करती है, वो भी लेजर प्रोजेक्शन के साथ। जब एक बार सारे पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें साइट पर लाकर असेंबल किया जाता है, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले कई बार चेक भी किया जाता है। इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद भी इसी प्लेन लैंडिंग गियर की टेस्टिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंजीनियर्स को पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता। इसके बाद इन सभी पार्ट्स को और लैंडिंग गियर को प्लेन में असेंबल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि लैंडिंग गियर होता क्या है, लैंडिंग गियर का मतलब क्या है। पहिए और पार्ट्स के सेट जो जगह लैंड करते वक्त खुलती है आमतौर पर लैंडिंग गियर में पहिए होते हैं, लेकिन जब प्लेन को बर्फ पर लैंड कराना होता है उसमें स्काइस भी लगी होती है। छोटे प्लेन्स की लैंडिंग में 3 पहिए होते हैं, 2 खास पहिए साइड की तरफ मौजूद होते हैं, तीसरा पहिया या तो हवाई जहाज के आगे या पीछे स्थित होता है। दोस्तों एरोप्लेन जब आसमान की ऊंचाई से नीचे आता है वो वक्त काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि जब पायलट ब्रेक लगाता है उस समय लैंडिंग की स्पीड 200 मील प्रति घंटा होती है। इस समय एक भारी एयरक्राफ्ट को रोकने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। इस समय लैंडिंग गियर पर कितना दबाव पड़ता है ये चेक करने के लिए बोइंग 747 को टेस्ट किया जाता है। इस केस में पायलट सारे स्टैंडर्ड टेक ऑफ प्रोसेस को फॉलो करता है और प्लेन अपनी निर्धारित जगह से 700 फीट पहले ही रुक जाता है और इस तरह एरोप्लेन के ब्रेक और लैंडिंग गियर का सही टेस्ट होता है, क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है तो उसके गियर और ब्रेक की जरा सी भी चूक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। केवल कमर्शियल फ्लाइट में ही लैंडिंग गियर का अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि लगभग हर तरह के एयरक्राफ्ट की अच्छी क्वालिटी काफी मैटर करती है। C5 को देख लीजिए, ये अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैवी ड्यूटी कार्गो प्लेन है। ये प्लेन 247 फीट लंबा होता है, इसका विंग स्पैन 222 फीट होता है। ये विशाल जहाज एक बार में 281,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल टैंक और दूसरे हथियार ले जाने के लिए किया जाता है। आप खुद समझ लीजिए कि इस विशाल जहाज को कितना यूनिक गियर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी। इस एयरक्राफ्ट में दो टायरों के बीच एक स्ट्रिप
होता है। इसके अलावा विंग्स के बीच में लैंडिंग गियर के दो एडिशनल सेक भी होते हैं जो कि इसकी लैंडिंग को और स्मूथ बनाते हैं। हर विंग के पास 5 टायर होते हैं। इस तरह C5 के पास टोटल 28 टायर होते हैं। इसके रियर व्हील भी साइड में लगे होते हैं जो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, प्लेन की लैंडिंग में मदद भी करते हैं। अब अगर हम इसकी तुलना C-130 हरकुलस से करके देखते हैं जो कि वैसे तो बहुत छोटा प्लेन है लेकिन वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट प्लेन है। केवल 97 फीट का प्लेन होने के बावजूद ये प्लेन 4,20,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है। इसके साथ ही अपने साथ 92 पैसेंजर और 2-3 AMVs और 2 स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल को भी ले जा सकता है। जहां C5 को प्रॉपर लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए प्रॉपर रनवे की जरूरत होती है, वह C-130 किसी भी तरह के रनवे पर लैंड कर सकता है। यहां तक कि ये धूल रेत से भरे या बर्फ से ढके रनवे पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। इसकी लैंडिंग गियर इसके फ्यूसेलाज यानी कि इसके धड़ के काफी पास डिजाइन किए जाते हैं। इसके 4 रियर व्हील होते हैं। आगे के हिस्से में 2 व्हील होते हैं। इसके रियर व्हील भी इसके फोर व्हील के साथ वर्टिकली पीछे हटे होते हैं। भले ही इंजीनियर्स लैंडिंग गियर को बनाने के बाद काफी सारे टेस्ट करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर इन्हें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि एयरक्राफ्ट के मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन लैंडिंग गियर को अपने लाइफ टाइम में तेज दबाव, एक्सट्रीम टेम्परेचर और कई दूसरी कंडीशन को सहन करना होता है। कई बार तो एयरक्राफ्ट को काफी मुश्किल जगह पर भी लैंड करना पड़ता है, इसलिए इनके गियर का हमेशा सही से काम करना बेहद जरूरी होता है। खासतौर पर जब बात अमेरिका के एयरक्राफ्ट की हो तो उनका मेंटेनेंस समय समय पर किया जाता है और ये काम 531 सेकंड कमांडोस मेंटेनेंस स्क्वाड की CMMXS करती है। यहाँ लैंडिंग गियर की मेंटेनेंस के लिए सभी एडवांस टूल के साथ कई और फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा इनके पास 300 स्किल्ड टेक्नीशियन मौजूद है। इसकी वजह से CMMXS काफी बुरी कंडीशन में आए लैंडिंग गियर को रिपेयर करने में सक्षम है। किसी भी पुराने गियर को नया बनाने में इन्हें महारत हासिल है लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जब क्रू को खुद ही प्लेन की साइड पर ऊपर जाना पड़ता है। ऐसे में गियर को रिपेयर करना आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत ही ट्रेन और एक्सपीरियंस टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। इसलिए टेक्नीशियन को ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल इस तरह की कंडीशन तैयार की जाती है जहां वो काम की डिफिकल्टी को समझ सके। US एयर फोर्स बहुत अच्छी तरह से लैंडिंग गियर की इम्पोर्टेंस को समझती है। वो जानती है कि प्लेन और पायलट की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी होता है लैंडिंग गियर और इसलिए इंजीनियर्स ने नई टेक्निक डेवलप की है जिसका नाम मैग्नीट्रॉन स्प्रोकेन है। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से एयरफोर्स हर साल $3 मिलियन की बचत कर रही है। देखा दोस्तों किस तरीके से लैंडिंग गियर किसी भी एयरक्राफ्ट की सही और स्मूथ लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्लेन में सवार किसी का भी बचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।